किसी भी मुसलमान के लिए कहीं भी किसी भी तरह क्रिसमस का त्यौहार मनाना या इसकी किसी भी तकरीब में शिरकत करना या किसी तरीके से इसकी मुबारकबाद देना जायज़ नहीं है, क्योंकि सूरह फुरकान की आयत नंबर 72 जिसका तर्जमा ये है, उसमें नेक बंदों की ये सिर्फ बयान की गई है कि वो झूठ की गवाही नहीं देते, रस्म बातिल में शरीक नहीं होते, और जब किसी लग़ अमल से इनका गुजर होता है तो शराफत और इज्जत वकार के साथ गुजर जाते हैं। और चूंकि क्रिसमस का त्यौहार बिलाशुबा एक झूठ बातिल और लग़ अमल है, लिहाजा मुसलमानों का इस त्यौहार को मनाना या इसकी तकरीब में शिरकत करना या इसकी मुबारकबाद देना गोया कि एक झूठी बात का इकरार और गवाही देना है, एक बातिल रस्म को दुरुस्त ठहराना और इसमें शरीक होना है, एक लग़ और फजूल काम में शामिल होकर ईमानी शान और इस्लामी वकार को मजरूह करना है। इसलिए कोई भी बाग़ैरत मुसलमान कहीं भी किसी भी तरह क्रिसमस का त्यौहार नहीं मना सकता और ना इसकी किसी तकरीब में शिरकत कर सकता है और ना किसी तरीके से इसकी मुबारकबाद दे सकता है।